दोस्तों हम लगातार महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं कि क्या है आखिर डेरा सच्चा सौदा की सच्चाई। नमस्कार मैम, आपका नाम? सुखविंदर। कितने समय से आप डेरा से जुड़ी हुई हैं? कम से कम 30 साल से। मतलब लंबे समय से डेरा से जुड़ी हुई हैं, महिलाएं हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपका यहाँ आना सही है? बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि हम दिन रात हफ्ते हफ्ते की सेवा में आते हैं, दिन रात रहते हैं, हमें कुछ नहीं महसूस होता यहाँ पे। बिल्कुल सही। सरकार की सेफ्टी आपको यहाँ मिलती है? नहीं, सरकार की सेफ्टी मिलती है या नहीं, पर हमारे यहाँ इधर में इतनी सेफ्टी है कि किसी की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। आज आपका इतना विश्वास है, इसका क्या कारण है? बस भगवान ने ऐसी मतलब सही रास्ता दिया, और जो उसने दिया हमें दिया, वो हमारी आत्मा महसूस करती है अपनी रूह कि वो क्या देते हैं। तो क्या आप आगे भी डेरा से जुड़ी रहेंगी? जी, हमारे दो बच्चे हैं, हम उनको भी जोड़ रखा है, नाम शब्द दिला रखा है। समाज को गुरुजी की आज जरूरत है? जरूरत है, हमारे हिसाब से तो है, क्योंकि इतनी दुनिया को पब्लिक को सुधार रखा उन्होंने, ये गुरुजी का ही काम है। जी मैम, आप सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार के यही अपील करेंगे कि गुरुजी को वापस सिरसा में भेज दें डेरे में, क्योंकि यहाँ बहुत जरूरत है। आजकल ऐसा दौर है कि कल युग का समय है कि इंसान को इंसान पहचानता नहीं, पर गुरुजी की कृपा है कि हम अपने बहन भाई से बढ़ के रह रहे। यहाँ पे ऐसा महसूस होता है जब यहाँ आते हैं कि हम अपने महके में आ गए, कि जैसे हमारा बाप जब गुरुजी गए यहाँ से मिशन पर, हमें ऐसा लगा कि हम अनाथ हो गए, पर एक उनका विश्वास है जो हमें लेके फिरता है कि सबसे बड़ा भरोसा हम उससे भी मरते।